Mika Singh with and my best friend Rohan. Hey guys, me Mika Singh with the super talented and cool looking man, the one and only Rohan. So please watch his YouTube video. He's an awesome dancer, awesome actor. God bless you. Love you, bye. Bye. हाय गाइस, मेरा नाम रोहन विर्दी है और मैं एक यूट्यूबर हूं और व्लॉगर हूं. मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और जहां पर मैं रहता हूं, एक्चुअली मैं अमेरिका में रहता हूं पिछले कुछ 7-8 सालों से और वैसे तो मैं बॉम्बे से हूं, तो यहां की लाइफ के बारे में मैं आपको बताता हूं कि मैं कहां पर रहता हूं, कैसी लोकेलिटी है यहां पर, बहुत सारी जगह ट्रैवल करता हूं, तो उस बारे में भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाता हूं. और ये वीडियो अभी मैंने शूट नहीं की, ये वीडियो बहुत पहले की है और जो अभी ये वायरस का पीरियड चल रहा है, मैंने सोचा कि मेरे पास वीडियो क्लिप्स पड़ी हैं तो क्यों ना मैं आप लोगों के एंटरटेन के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूं. सो सिट बैक एंड एंजॉय द राइड. सो इंडिया में जैसे हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर भी हम वैसे ही करते हैं. तो वैसे ही एक होली के फंक्शन में मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ पहुंचा और हम वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे और पता लगा कि वहाँ पर मीका पाजी भी आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए. और जैसे ही मुझे पता लगा कि मीका पाजी आए तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मीका पाजी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. मतलब बहुत साल पहले की बात है जब मीका पाजी के गाने हम शूट करते थे, मैं और मेरा दोस्त जो देवांग देसाई है, वो कोरियोग्राफर हर गाने का रहता था और मैं उनका असिस्टेंट रहता था. तो हम लोगों ने बहुत सारे गाने मीका पाजी के लिए शूट किए, उनमें से एक गाना मुझे याद आ रहा है, वो है समथिंग 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 मेरी जान. उस दौरान मीका पाजी बहुत सारे अपने एल्बम रिलीज़ कर रहे थे, तो मोस्टली गाने हम लोग ही शूट करते थे, तो बहुत मज़ा आता था और उनके साथ बॉन्डिंग भी मेरी बहुत तगड़ी होती, क्योंकि मीका पाजी भी सरदार पंजाबी और मैं भी पंजाबी. तो वहाँ हमारे स्टूडेंट सब परफॉर्म कर रहे थे और मैंने भी होली में बहुत सारा मज़ा किया. और फिर बाद में स्लोली स्लोली वेट करते 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 मीका पाजी स्टेज पे आ गए और मैं और हम लोग सब लोग मीका पाजी के जो नए नए गाने हैं हम लोग इन्जॉय कर रहे थे. और उसी दौरान क्योंकि मैं बैक स्टेज में जा सकता हूँ, तो मैं बैक स्टेज में था और मीका पाजी ने मुझे देखा, तो मैंने मीका पाजी को हाथ दिखाया, तो मीका पाजी ने मुझे स्टेज पर बुला लिया और मैं स्टेज पर गया. मैंने बोला मीका पाजी एक सेल्फी लूँ, सेल्फी की जगह मैंने अपना गलती से वीडियो कैमरा ऑन कर दिया और ये देखो. और आपने देखा मीका पाजी मेरे कान में कुछ बोले. और जब मैं वापस आया ना, तो वहाँ पर जो एक ऑर्गेनाइज़र था उसने मुझे बोला कि मीका पाजी तेरा नंबर मांग रहे. मैंने बोला क्या बात है यार, इतने साल बाद मीका पाजी मेरा नंबर मांग रहे. तो मैंने मीका पाजी को मेरा नंबर दिया और मैं घर पे आ गया. मुझे लगा कि कुछ काम रहेगा या हाय हेलो करना रहेगा, ऐसे ही कुछ बात रहेगी. तो फिर मैं एक्साइटेड था, मैं बोला चलो फ़ोन का वेट करूँगा, मीका पाजी का कॉल आएगा और बात हो जाएगी. तो फिर मैं घर पर आया, मैं आराम किया, नहा धो के बैठा था और फिर थोड़े टाइम बाद मीका पाजी का वॉइस मैसेज आया कि रोहन क्या कर रहा है आजकल तू. तो मैंने उनको बताया कि मीका पाजी मैं यहाँ कुछ 7-8 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पर ही मेरा काम है कोरियोग्राफर का और डांस टीचर का. तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक गाना शूट कर रहे हैं, फ्लोरिडा में जाना है, तो आ सकता है क्या 3 दिन के लिए. तो मैंने बोला कि चलो. और फिर क्या था, मीका पाजी ने मेरी फ़्लाइट बुक कर दी और मैं सीधा पहुंच गया फ्लोरिडा. और वहाँ जाके पता लगा कि जो हम लोग गाना शूट कर रहे हैं उस गाने में है मीका पाजी और यूलिया. तो यूलिया जी बॉलीवुड में एक बेहतरीन सिंगर हैं, उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अच्छी सी पहचान बनाई है और वो सलमान खान के क्लोज फ्रेंड्स में से भी बिलोंग करती हैं. और फिर पूरी तैयारी हो गई, खूबसूरत मॉडल्स वहाँ पर बुलाए, सारे लोकेशन सेटअप किए और यहाँ पर हम लोग के एक यार्ट में भी हम लोग अंदर जाने वाले थे. क्या माइंड ब्लोइंग होटल में मुझे रुकाया गया था, बहुत मज़ा आया. और फिर हमारी शूट स्टार्ट हुई. ये जो स्टोरी है ना बहुत लंबी बन सकती है, लेकिन मैं इसको इतना लंबा नहीं बनाना चाहता. इस व्लॉग को एक छोटा सा स्वीट सा व्लॉग आपके सामने पेश करना चाहता था. तो उसके बाद हम लोग शूट करने के लिए एक डिस्कोथेक में भी गए और हमने रिहर्सल भी रखी, बहुत मज़ा आया. मीका पाजी को मैंने थोड़े बहुत स्टेप्स बताए और मज़ा आया, बहुत मज़ा हो रहा था, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया. और लुलिया भी बहुत ही फ्रेंडली इंसान है, मेरे साथ भी उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स खिंचाएँ, वीडियोज़ में आए. और इनफैक्ट क्या था कि उस वीडियो में मैं भी था, मतलब एज अ बैकअप रहता है ना, जब क्योंकि वहाँ पर इतने सारे मॉडल्स लोगों को नहीं बुला सकते थे, जो भी हमारा क्रू था हम लोग उसको ही यूज़ कर रहे थे, जो कि लड़कियाँ डांस कर रही हैं बोट में शिप में, उनके साथ लड़के भी होते ना, तो हम लोग ने कॉस्ट्यूम पहन लिया और डांस करने लगे. शूट बहुत अच्छा चल रहा था और हम लोगों ने 3-4 दिन वहाँ पर बहुत अच्छे बिताए, बहुत मज़ा आया मीका पाजी के साथ, यूलिया के साथ, बहुत ही एकदम मतलब कूल शूट किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया. हम लोग 4 दिन था मैं वहाँ पर, सारा खर्चा उनका ही था. और वो जो होटल था ना इतना माइंड ब्लोइंग था ना, बहुत टाइम के बाद मैं इतने अच्छे होटल में रुका था, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था. 3-4 दिन रिलैक्स भी कर लिया, गाना भी शूट कर लिया, मीका पाजी से भी मिल लिया, यूलिया से भी मिल लिया, और मतलब
अच्छा चल रहा था सब कुछ, और फिर बारी आई वहाँ से निकलने की और घर आने की, और मैं वहाँ से सबको बाय बोला और फिर मैं घर के लिए निकला। बट मैं जो होटल की चाबी थी ना वो अपने साथ लेके ही निकल गया, और फिर मुझे वहाँ से प्रोडक्शन वालों का कॉल आया कि भाई तू चाबी लेके निकल गया, और वो चाबी की कीमत सिर्फ $150 थी जो कि 10,000 रुपये बन जाते हैं। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूँ यार, आई एम सॉरी मैं भूल गया। तो फिर मैंने आइडिया लगाया, मैंने बोला कि देखो भाई एक घंटा ही दूर है वहाँ से, 10,000 रुपये देने से अच्छा मैं यहाँ पर एयरपोर्ट में आज बाजू में किधर चाबी छुपा के रख देता हूँ। हाँ देख भाई 7 door डिपार्चर अमेरिकन एयरलाइन, इधर आएगा तो आ मैं चाबी इतने रखी है देख ला। अमेरिकन आप लोग में से कोई आना हो और लेके चले जाना। मैं फ्लाइट लेके घर पे आ गया, घर पे आने के बाद मैं वेट करता रहा कि मीका पाजी का कॉल आएगा, कुछ न्यूज़ आएगी। फिर आई थिंक 1 या 1.5 महीने बाद उनका कॉल आया था, और उन्होंने बोला कि सलमान खान को ये गाना बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा सलमान खान को ये गाना अपनी मूवी में यूज़ कर रहे हैं, जो कि मूवी का नाम है Race 3। और जाहिर सी बात है अगर वो गाना अपनी मूवी में यूज़ कर रहे हैं तो हमने जो गाना शूट किया वो यूज़ नहीं आएगा, वो आएगा ही नहीं। और मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ कि मैंने आप लोग को बताया नहीं कि उस गाने का नाम क्या था। उस गाने का नाम था तो पारी चले ओ ना लॉन्ग, ओ पारी चले ओ ना लॉन्ग। ये गाना यूज़ किया सलमान भाई ने अपनी पिक्चर में जिसका नाम था Race 3, जो कि बाद में शूट किया रेमो ने। उन लोगों ने जो गाना शूट किया था वो यूज़ नहीं किया, उन लोगों ने अलग से शूट किया क्योंकि गाना ही इतना अच्छा। तो मुझे दुख तो थोड़ा हुआ कि यार इतनी मेहनत की थी हम लोगों ने और वो गाना रिलीज़ नहीं होएगा। जब मैंने वो गाना देखा पिक्चर में ना, तो यार इतना मज़ा आया ना, सलमान भाई ने ना प्रॉपर जस्टिस किया वो गाना अपनी पिक्चर में डाल के। यार लव यू, कोई बात नहीं है यार, अगर उनको गाना उनकी मूवी में डालना था, अच्छा गाना था, तो अच्छी बात है उनके लिए, हम लोगों ने मेहनत की है तो देखा जाएगा जो भी होगा। और पर मैंने ऐसे बहुत सारे गाने शूट किए, लाइक आप लोगों को एक बात बताऊं तो मेरी पहली मूवी थी जो ऑफिशियली जिसमें मैं एज अ डांसर काम किया था वो थी कभी खुशी कभी गम, उसमें बहुत सारे गानों में मैं दिख जाऊंगा। अगर आप उसमें मुझे स्पॉट कर पाओगे तो प्लीज़ मैसेज करके बताना कि रोहन मैंने आपको ये गाने में देखा, इस गाने में आप यहाँ खड़े थे, इस गाने में आप क्या कॉस्ट्यूम पहनी थी। तो आई विल रियली अप्रिशिएट यू ऑल। पर ठीक है, अभी जो भी हुआ ठीक था, माइंड ब्लोइंग, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत मज़े किए, रिलैक्स किया, चिल आउट किया, शूटिंग के दौरान भी बहुत सारे मज़े किए, यूलिया को मिला और भी बहुत सारे नए नए लोगों को मिला। तो मुझे वहाँ जाके शूटिंग करके मीका पाजी को मिलके यूलिया जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। यूलिया जी सलमान भाई के फैमिली फ्रेंड्स में से बिलोंग करती हैं, और मीका पाजी और सलमान भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसी कारण वो यहाँ पर शूट करने के लिए साथ में आए। मीका पाजी अपने कॉन्सर्ट्स के लिए निकले हुए थे और यूलिया जी शायद बॉम्बे से यहाँ पर आई थी शूट करने के लिए। तो और मैं यहाँ से वहाँ गया, शूट की, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा चैनल भी ग्रो हो और जो मेरा पैशन है उसमें मैं कामयाब हूँ ये सब वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना। जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मेरा चैनल बढ़ेगा आगे, उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे मेरे पास, और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा ऐसे वीडियो क्रिएट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे मेरे पास मेरी स्टोरीज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर बूस्ट मिलेगा ना ज़्यादा से, तो मैं और अच्छे से मेहनत करूँगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं इधर तक ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, और मैं इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा। मेरी बहुत सारी ऐसी और भी यादें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं शेयर करूँगा अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लाइफ आप लोग के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, एंड आई विल हाईली अप्रिशिएट इट। इसी के साथ कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल, बी सेफ़।